हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, दोपहर के यहाँ 1 बज गया है और सब खाना पीना खा के सब फ्री हो चुके हैं। सभी लोग बाहर बैठे हैं गैलरी में, क्योंकि इस टाइम पे लाइट चली गई। और देखिए, मैं अंदर बैठी हूँ हाथ वाले पंखा लेके। तो किस किस को अच्छा लगता है ये वाला पंखा, मुझे कमेंट में बताना। तो चलते हैं गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको, आप सभी को दिल से थैंक यू जिन्होंने मेरी गौरी को इतना प्यार दिया, मुझे और मेरी फैमिली को, सभी को, सबको दिल से थैंक यू। सच में इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, सभी ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला मेरी गौरी को, सभी को। बस मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के। और कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिसे देख के मुझे रोना आ गया था। तो चलते हैं अब आगे, कमेंट पे वीडियो बनाते हैं, जो आप लोगों के कमेंट आए थे, एक दो लोगों के, वो बनाते हैं। मैं ये ब्लॉग आज का कमेंट के ऊपर बना रही हूँ। जब मैं यहाँ घर पे आई थी, उसे दूसरे दिन ही हमारे घर पे अग्यारी लगी गई थी। मतलब जो नामकरण होता है वहाँ पे अग्यारी बोली जाती है, तो वही लगी थी। तो उस टाइम पर मैं जो पूजा हवन जो हो रहा था, तो उसमें मैं अकेली बैठी थी। तो उसी के ऊपर ही लोगों ने, मतलब 3-4 कमेंट आए हैं उसके ऊपर कि, बस वो वाला कमेंट मेरे को इतना ख़राब लगा कि ये कमेंट आया था कि आप कैसे सक्सेना हो, कैसे पूजा कर लेते हो अकेले। मतलब हस्बैंड के साथ पूजा मानी जाती है, वो तो मुझे ही पता है कि हस्बैंड के साथ बैठ के ही जो भी पूजा होती है वो पूरी होती है। अब इस टाइम पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि अभी वो, हम मैं इटावा में थी, पहले 15 दिन की छुट्टी लेके आए थे। और अभी उनका जुलाई में, आपको पता भी होगा, वीडियो डाली थी मैंने, उनका जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था 6 जुलाई को। तो तब उन्होंने छुट्टी ली थी, तब उन्होंने भी 10 दिन की छुट्टी ली थी कम से कम, इसलिए पूरा महीना ही उनका ऐसे ही चला गया छुट्टी में। तो इस वजह से वो 2 तारीख को मुझे छोड़ के वो चले गए थे वहाँ पर। तो अब वो ये बार बार प्राइवेट कंपनी में, आप जानते हैं सभी लोग, फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हो, बोल देते, तो जिसको अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों ने बोला कि तुम लोग कैसे सक्सेना हो जो ऐसे ही पूजा पाठ में बैठ जाते हो, अकेले तो पूजा भी नहीं मानी जाती है। तो बस वही का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ऐसे कुछ नहीं है, पंडित जी को भी पता होता है कि हाँ पूजा साथ में नहीं की जाती है, लेकिन पंडित जी ने बोल दिया था कि हाँ। तो मैंने, देखिए, ऋषि की मैं भी साथ बैठ के ही पूजा करी थी, 11 जब घर पे ही लगी थी। और खुशी का जब नामकरण हुआ था तो भी मेरी साथ में थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब किसी को नहीं टाइम मिल पाता है, और पहले भी वो बाहर ही जॉब करते थे, ऐसा तो है नहीं कि यहीं घर पर ही जॉब करते हूँ तुरंत आ जाएंगे, तो पहले भी वो बाहर ही जॉब करते थे। कभी हो जाता है ऐसा कि कंपनी से नहीं मिल पाती है छुट्टी, और इस वजह से फिर मैं अकेली ही, और नामकरण बेटी का था तो मैं बेटी को लेके ही बैठी थी। तो ये आप थोड़ा सोचा करिए कि हाँ, किसी को नहीं मिल पाता है टाइम एंड टाइम पर, तो अकेले बैठना कोई ख़राबी तो है नहीं। और भगवान भी हैं, भगवान सब जानते हैं कि दिक्कत होती है तभी बंदा काम करता है, नहीं तो किसी को कोई शौक़ नहीं है कि हाँ आदमी होके भी कोई अकेले बैठे। ठीक है, तो ये लिए सोचा करिए कि ऐसा कौन औरत होगी जो अपने अकेले बैठ जाएगी पूजा में और अपने आदमी को नहीं पूछेगी, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। पता नहीं आप लोग कैसे बोल जाते हो, मुझे तो नहीं समझ में आता। बस यही था एक कमेंट, एक ही कमेंट था। और ये भी, मतलब ये तो बहुत ही कमेंट आ रहे थे मेरे ऊपर, लेकिन उसने ये बोला था कि तुम कैसे सक्सेना हो। तो ऐसा तो सक्सेना या किसी के ऊपर तो कुछ नहीं होता, और आधी से आधी औरतें भी ऐसी होंगी जो अकेले जैसे रहती हैं तो वो कर सकती हैं पूजा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आदमी नहीं है तो नहीं कर, अच्छा अब आदमी नहीं है, अब जो हस्बैंड वाइफ पास में होते हैं खाना खाते हैं, बाई चांस अगर हस्बैंड कहीं बाहर चला जाते हो तो तुम तो फिर खाना ही नहीं खाओगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि पता नहीं खाना खाती भी होंगी कि भूखी रहती होंगी। फिर पंडित जी ने बोल दिया, सभी ने बोल दिया था कि नहीं, बस बच्चे को लेकर बैठ जाइए, जब नहीं है टाइम तो नहीं होता है। और एक कमेंट आया था कि अपने भैया भाभी के बारे में बताइए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा ही बोलूँगी कि जिस दिन मेरी बेबी हुई थी गौरी, तो उस दिन मैं तो, देखिए मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, अब जाहिर सी बात है मैं तो किसी को कॉल नहीं कर पाऊँगी। तो इन्होंने फ़ोन कर दिया था सबके पास, घर पे भी और मतलब फर्रुखाबाद में भी सबके पास फ़ोन कर दिया था, जिसको नहीं कर पाए थे सबको फ़ोन कर दिया, दादा भाभी के पास भी कॉल कर दिया था। अब यह दादा ऑफिस में था तो दादा को फ़ोन कर दिया था कि दादा ऐसे ऐसे आप मामा बन गए हैं,
तो इतना बता दिया था। अब वो मतलब किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके यार इतना कर जाते हो, मुझे तो नहीं समझ में आता इतना क्यों वो कर जाते हो। अब कोई बंदा नहीं आ पाता, देखिए हर किसी की प्राइवेट जॉब है, अब किसी को एक दिन के लिए दो दिन की नहीं मिल पाती होगी छुट्टी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उनके पास टाइम होगा तो वो कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे। तो बस मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि हाँ कि तुमने भैया भाभी को नहीं बुलाया, तो ऐसा मैं गलती नहीं कर सकती, वहाँ भी वो फ़ोन कर दिया था। ठीक है, एक कमेंट ये भी था कि तुमने अंकुश की वीडियो में लड़का मांगा था, तुम्हें लड़की हो गई है, तो उसके बारे में भी मतलब मैं बताऊंगी। तो मैंने बस यही बोला था कि मुझे एक बेटा चाहिए, क्योंकि एक तो देखिए मेरे पास ऋषि भी है, खुशी भी है, सब चीज़ें, लेकिन ऐसा होता है ना कि हाँ सोचते हैं कि हाँ भगवान मुझे ऐसा बेटा दे देना, तो बस अब लेकिन भगवान को, भगवान ने मुझे ये बेटी इसलिए दी है क्योंकि जो मेरे लिए सही होगा भगवान ने मुझे वही दिया है। अब मांगते तो हम भगवान से जाने क्या क्या हैं, अभी थोड़ी ना कि भगवान हमें वही चीज़ देगा, नहीं ना। तो बस ऐसे मेरे से भी थोड़ा सा हो गया था कि हाँ भगवान मुझे बेटा दे देना, बेटी नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला था कि बेटा दे देना बेटी चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने बस ये बोला था भगवान बेटा देना। लेकिन मेरे भगवान को जो अच्छा लगा मेरे लिए, आगे आगे का कुछ सोचा होगा उन्होंने, तभी उन्होंने मुझे बेटी दी है। बस यही था थोड़ा। अब वो आप उसको इतना इतना कर करके पूरे सब में कि तुम्हारी बहन तो ऐसी है, तुम्हारी बहन लालच के मारे ऐसा बोल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लालच होता है यार, क्या बताऊँ मैं तुम सबको, समझ में नहीं आता, ऐसे बोला भी नहीं जा रहा है ज़्यादा। बस ये दो तीन ही कमेंट है जो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ख़राब लगे थे जब से मैं इटावा में थी, तभी से मैं सोच रही थी कि बनाऊँगी बनाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि कैसे बनाऊँ क्या करूँ, बस यही था छोटा पूरा। मैंने ऐसा कुछ गलती तो करी नहीं थी जो आप लोग मुझे इतना कुछ सुना डाला है कि क्या बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं, एक तो बस गाइस यही था आज का छोटा पूरा कमेंट के ऊपर मैंने ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।